वेलकम। किस चीज के लिए लेके आए मिठाई, ये तो बताओ। मिठाई की खुशी में सिलेक्शन हो गया मेरा आईटीबीपी में। विजय लक्ष्मी जी आज ही मिठाई लेके आए हैं क्योंकि इनका आईटीबीपी में सिलेक्शन हो गया है। तो खुशी की बात ये है कि इन्होंने 20 किलो वजन कम किया है और इसी बदौलत इनका सिलेक्शन हो पाया है। सारी बातें बताते हैं, भी एक बार सब चीज़ें पूछ लें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, पहले मिठाई खा लें एक बार, क्यों वीरेंद्र जी? हाँ, एक बार मिठाई खाना ज़रूरी है क्योंकि जिस काम के लिए ये आए थे उसमें इनको भी सक्सेस रही, सफलता मिली और हमें भी बहुत ज़्यादा सफलता मिली है जिसकी बदौलत अब इनका सिलेक्शन हो चुका है। चेहरे पे खुशी साफ देख सकते हो और एक पुरानी फोटो में ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले में अपने कितना चेहरे में देखने में डिफरेंस कितना दिख रहा है, बॉडी फिजिकल बॉडी में आपको कितना दिख रहा है। तो एक बार मैं फिर से पूछना चाहूँगा, जैसे सब चीज़ें आपको बताऊँ कि कितना क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सबसे पहले तो इनकी प्रॉब्लम आई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था। क्या इंसिडेंट हुआ था एक बार बताइए, जब आपका फिजिकल था उससे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी? मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई हैं उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ था, एक्सीडेंट कौन सा हुआ था? ऑटो पलट गया था, मतलब गए तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? पैर में फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मतलब इंजरी आई थी थोड़ी। पैर में इंजरी आई थी, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? जैसे कि आपका फिजिकल रनिंग थी आपकी, दौड़ होती है, मतलब चल भी नहीं पा रही थी, 15 दिन पहले ही हुआ था एक्सीडेंट भी, मतलब। तो फिर कैसे संभव हुआ आपका चलना फिरना, जो भी आपने कैसे फिजिकल पास किया उसमें? 5 किलोमीटर की शायद दौड़ होती होगी, 1600 मीटर की दौड़ थी, 5 मिनट में करनी थी, 8 मिनट में करनी, तो आपने सक्सेसफुली की वो। कैसे कर पाए आप? मतलब थोड़ा टाइम तो लगा, मतलब, लेकिन फिर नहीं, जैसे आपकी इंजरी हो गई थी उस इंजरी का ट्रीटमेंट कैसे क्या हुआ था? मैंने आपसे तो लिया था। ओके, उसके बाद यहाँ वेट लॉस की प्रॉब्लम आ गई थी कि इनका वजन था ओवरवेट थे। कितना ज्यादा था वजन? मेरा 20 किलो ज्यादा था, मतलब आपका 75 किलो था और आपको चाहिए था 56। ओके, तो अभी 56 तो हो गया। हाँ, हाँ हो गया, तभी तो सिलेक्शन हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, 56 हो गया, लेकिन 75 से आपने काफ़ी हद तक तो कम करके आए थे वजन शायद, है ना? हाँ। या वीरेंद्र जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं योगोन्सम से, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, जब यहाँ आए थे तो इनका वजन कितना था सर? 66। जब ये यहाँ आए थे तो इनका वजन था 66.8 kg। ये 10 किलो, लगभग 8-10 किलो तो आपने खुद से रनिंग वनिंग करके कम किया था। हाँ। मतलब कि जो इजी वे में वेट लॉस होता है वो बहुत जल्दी करके आप आ गए थे। अब प्रॉब्लम आ रही थी कि बाकी का 10 किलो वजन कैसे कम हुआ था? एक महीने मैंने ट्राई किया लेकिन मेरा कम नहीं हुआ था। फिर आगे का, जैसे ये 66 से आपने 56 से 56 किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो योगवंशम की हेल्प से किया था। योगवंशम की हेल्प से किया। अच्छा, इसमें ऐसे कोई मेडिसिन वगैरह आपको सजेस्ट की थी योगवंशम ने वेट लॉस के लिए? सारे प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस था। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप, मतलब, योगवंशम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मिठाई तो लेके आए हो तो हम आपकी फीलिंग समझ रहे हैं। नहीं, मतलब लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हाँ, मतलब जो भी काम होता है ना सारा नेचुरल होता है और मतलब कुछ भी मतलब मेडिसिन वगैरह की हेल्प नहीं लेते हैं और मतलब मेरा स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, पूरी हेल्प करता है बस। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने नेचुरल के बदौलत ही आपने इतना वेट लॉस कर लिया। नहीं तो लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत सी मेडिसिंस ऐसे कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह ले लिवा के करते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़ पूछना चाहूँगा, ये 56 आपका कितने दिन पहले था और अब क्या है वेट? मतलब आपने फिजिकल कब किया था फाइनल, जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो? वो मेरा था 28 जुलाई को हुआ था। 28 जुलाई को हुआ था और आज है 27 अगस्त। हाँ। तो अभी भी वेट लॉस बराबर है, वेट गेन नहीं हुआ? नहीं, अभी ये ही तो एक अच्छी चीज़ है नेचुरोपैथी की कि जो होती है चीज़ें परमानेंट होती है। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नेचुरोपैथी को चुना और योगवंशम को चुना जिससे आपकी चीज़ें सफल हुई। वीरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहोगे नेचुरोपैथी के लिए? मैं नेचुरोपैथी के लिए कहना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट नेचुरोपैथी में आते हैं वो चाहे किसी भी बीमारी के पेशेंट हो, उनको डेफिनेटली कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्योर कर दिया जाता है, पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से। और विजयलक्ष्मी जी के लिए ये कहना चाहूँगा कि योगवंशम को इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, इनका जो मेंटल वे था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और डेडिकेशन बहुत अच्छा था, डेडिकेशन इनका बहुत ज़्यादा था बहुत। और इन्होंने जैसे जैसे हमने बताया पूरा कम्प्लीट तरीके से हर चीज़ें फॉलो करी और इसी की बदौलत इनका सिलेक्शन हो पाया है। और आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो,
आप एक बार योगवंशम में आइए और नेचुरोपैथी से जुड़िए, आपको निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू। तो कुल मिला के बात यही है कि डेडिकेशन, पॉजिटिविटी और नेचुरोपैथी तीनों मिलके अच्छे से काम करती है। ठीक है, अभी चलो आपको दिखाएंगे कि इनकी ट्रीटमेंट में क्या क्या हुआ था, तो आपको भी समझ में आए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, थैंक यू सो मच।